हाँ जी दोस्तों, लेके आ गए आपके लिए एक और नया वीडियो। और आज रिव्यू करने वाले हैं बीरा वाइट का। B9 Beverages की तरफ से बीरा की लाइनअप में जो सबसे महंगी बियर आती है वो बीरा वाइट है। हालांकि एक लाइट बियर है, लेकिन तब भी ये सबसे महंगी है। आज इसका रिव्यू करेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। और ऐसे वीडियो के लिंक आपको सबसे पहले मिल जाएं तो बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इसके प्राइस और ABV की तरफ। और बात कर ले दोस्तों इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस UP में 170 रुपये और दिल्ली में होगा अराउंड 160-170 रुपये। और बॉटल इसकी आपको मिलेगी 210 रुपये की। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि ये सबसे महंगी है बीरा के लाइनअप में, तो इसका प्राइस भी सबसे ज़्यादा ही है। और ABV की अगर बात करें तो इस पर लिखा हुआ है कि इसका ABV अप टू 5% है, बट नॉट लेस देन 4% है। यानी इसका ABV 4-5% के बीच में है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको बीरा गोल्ड और बीरा बूम के रिव्यू में इसकी कंपनी की हिस्ट्री ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे उन दोनों वीडियो के। और इसकी हिस्ट्री की बात करें अगर फिर से, तो ये कंपनी 2015 में लॉन्च हुई थी और इसके ओनर हैं अंकुर जैन जी। और इनकी तरफ से 4 प्रोडक्ट आते हैं, बीरा गोल्ड, बीरा वाइट, बीरा ऑरेंज, बीरा बूम। बीरा बूम सबसे सस्ती, फिर बीरा गोल्ड, फिर बीरा ऑरेंज, फिर बीरा वाइट। ये एक लाइट बियर है, वीट बियर है, टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होगी जैसा कि एक वीट बियर है। और कंपनी जो है 2015 में लॉन्च होने के बाद से बहुत ग्रोथ करी है। 2020 तक मार्केट में 20% शेयर की ग्रोथ है बियर की सेल में। और बहुत ही बढ़िया बियर्स आती हैं इनकी तरफ से। बीरा ऑरेंज के तो बहुत सारे दीवाने, बहुत सारे फैंस देखे हैं मैंने बीरा ऑरेंज के। और बहुत सारे लोगों को ये वहम है कि बीरा ऑरेंज जो है वो मार्केट में बंद हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीरा गोल्ड कंपनी ने नई लॉन्च करी है, उसकी मार्केटिंग और उसकी सेल को बढ़ाने के लिए बीरा ऑरेंज की जो मार्केट में शॉर्टेज कर दी गई है, ताकि बीरा गोल्ड ज़्यादा सेल हो। और जब वो मार्केट में उसकी सेल अच्छी हो जाएगी, वो भी अच्छी पकड़ बना लेगी, तो बीरा ऑरेंज जो फिर से आपको मिलने लगेगी। कुछ सिटीज़ में नहीं मिलती है, गुड़गांव में, हरियाणा में, कई शहर में मैंने देखा है कि बीरा ऑरेंज अवेलेबल है, तो डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। ये सिर्फ एक अफवाह है, लोगों का वहम है। ठेके वाले या आपके लिकर शॉप वाले ये बोल देते हैं कि बीरा ऑरेंज बंद होगी ताकि बीरा गोल्ड सेल हो, लेकिन बीरा ऑरेंज डिसकंटिन्यू नहीं हुई है, कंटिन्यू है। चलिए अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग एंड नोजिंग की तरफ। चलिए दोस्तों फिर कर लेते हैं इसकी ओपनिंग। और हमेशा की तरह चिल्ड बियर लाते हैं, बहुत ही बढ़िया आवाज़ के साथ खुल गई है। और जैसा कि ये वीट बियर है तो इसमें हम स्लोली डालेंगे, लेकिन इस पर एकदम आपको 45 डिग्री पर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा ऊपर से भी डाल सकते हैं। और इस पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी अगर आप वीट बियर पी रहे हैं तो इस पर, तो मेरा गिलास फुल हो गया है, लेकिन अगर आप कोई भी वीट बियर पी रहे हैं तो 1/3 जब वो आपके कैन में या बॉटल में रह जाती है तो उसे एक बार हमेशा ऐसे शेक कीजिए, ताकि उसमें जो भी ईस्ट है, क्योंकि इसका जो कार्बोनेशन है, जो फ्रॉथ है, वो डिपेंड होता है इसके ईस्ट पे। क्योंकि जो वीट बियर होती है वो फ्रेगमेंटेड होती है अपर साइड से, और जो लागर और एल बियर्स होती है वो फ्रेगमेंटेड होती है, बॉटम फ्रेगमेंटेड होती है और ये अपर फ्रेगमेंटेड होती है। तो इसका ईस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए इसको हमेशा ऐसे शेक करके एंड ऑफ द बॉटल या एंड ऑफ द कैन को शेक करके गिलास में डालते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं इसकी नोजिंग। बहुत ही फ्रूटी अरोमा आ रहा है और थोड़ा थोड़ा इसमें से ऑरेंज का महक बहुत अच्छा आ रहा है इसमें से। थोड़ा थोड़ा इसमें से बादले का भी महक आ रहा है। हनी का भी थोड़ा थोड़ा इसमें से महक आ रहा है, लेकिन जो मेन आपका इसमें कंटेंट है, जिसका महक इसमें से आ रहा है, वो है ऑरेंज। ऑरेंज का बहुत ज़्यादा महक आ रहा है। तो चलिए अब कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग। कार्बोनेशन
देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, जैसा कि आप देखेंगे तो इसका कलर बहुत ही डार्क है, डार्क येलोश कलर है, और कार्बोनेशन इतना इसमें बबल्स दिख नहीं रहे थे, लेकिन कार्बोनेशन ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, और फ्रॉथ भी इसका बहुत जल्दी कम हो गया, जैसा कि ये वीट बियर है। अगर आप कोई भी वीट बियर पीते हैं तो उसका फ्रॉथ हमेशा बहुत जल्दी कम हो जाएगा। बिल्कुल भी अल्कोहल ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें अल्कोहल है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही फ्रूटी है, कड़वाहट ना के बराबर है, लेकिन है। ऐसा कुछ इसमें से लग रहा है इसको पीने पे कि इसको ऑरेंज जूस के साथ ज़्यादा फ्रेगमेंट किया गया है, क्योंकि ऑरेंज जूस का इसमें बहुत ज़्यादा महक भी था और बहुत ज़्यादा ऑरेंज जूस का फ्लेवर भी इसमें है। कार्बोनेशन इसका बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं सिप ले रहा हूँ कार्बोनेशन अब एकदम 20% रह गया होगा, अगर 100% पहले था तो अब कार्बोनेशन इसमें सिर्फ 20% रह गया होगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कार्बोनेशन वाली बियर पसंद है, आपको ये बियर पसंद नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा हार्श बियर पसंद है, आपको ये बियर पसंद नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा हार्ड बियर पसंद है, जो दो बियर पीने के बाद आपको नशे कर दे, तो भी आपको बियर पसंद नहीं आएगी। ये उनके लिए है जिनको सॉफ्ट बियर पीना पसंद है, लाइट बियर पीना पसंद है, और बहुत ही फ्रूटी काइंड ऑफ बियर पीना पसंद है, जिनको कड़वाहट बिल्कुल नहीं चाहिए। कड़वाहट जबकि है, लेकिन एकदम ना के बराबर है। अगर आप बहुत ज़्यादा गौर नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी आपको कड़वाहट नहीं लगेगी। तो ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं पसंद। एक इसमें से कुछ मैंगो का भी थोड़ा थोड़ा महक आ रहा है, थोड़ा थोड़ा महक मैंगो का है। ऐसा कुछ जैसे मैंगो या आप कोकोनट कह सकते हैं, जैसे नारियल के तेल में से महक आती है, वैसी महक भी इसमें से थोड़ी थोड़ी आ रही है। अब एंड ऑफ द गिलास पे इसका कार्बोनेशन बिल्कुल ही खत्म हो गया है, 10% बचा होगा, और करते हैं इसकी फिर रेटिंग और करते हैं वीडियो को एंड। बियर अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जिस रेट में आ रही है उस रेट के हिसाब से, वीट बियर के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप लागर और एल बियर पीना पसंद करते हैं या आप स्ट्रॉन्ग बियर पीना पसंद करते हैं तो हो सकता है कि आपको पसंद ना आए। लेकिन अगर आपको लाइट बियर पसंद है, बहुत ज़्यादा हार्ड बियर नहीं पीना पसंद करते, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियर पीना नहीं पसंद करते, तब आपको ये बियर बहुत पसंद आएगी। तो ऑल इन ऑल बियर अच्छी है, लेकिन अगर आप सारे क्राइटेरिया देखेंगे तो उतनी अच्छी नहीं है। जैसा कि बीरा बूम है, बीरा ऑरेंज है, वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये उनके लिए है जो काइंड ऑफ बियर पीना स्टार्ट कर रहे हैं या बहुत ही लाइट बीरा बियर पीना पसंद करते हैं ऐसा। तो चलिए फिर करते हैं इसकी रेटिंग और करते हैं वीडियो को एंड। तो बीरा वाइट को पॉइंट मिलेंगे 8.4 पॉइंट देना चाहूँगा मैं इसको। अच्छी बियर है, और लेकिन बजट और रेट वाइज बहुत ज़्यादा है, 170 रुपीज़ का कैन बहुत महंगा है। अगर यही बियर कैन 120-130 रुपीज़ का होता तो एक बेस्ट बाय हो सकता था ये। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चीयर्स।